गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। तो आज और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि जिसके अंदर हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला पे बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो देखो बच्चों कि आज के दो न्यूमेरिकल्स बहुत ही ट्विस्टेड होने वाले हैं कि सर उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ट्रेन ए एंड बी सेम डायरेक्शन, यानी एक काम करो, एक पाथ ड्रॉ कर दो। जैसे कि हमने एक पाथ ड्रॉ कर दिया है बच्चों, यहां पे मैंने फर्स्ट ट्रेन यानी ए ट्रेन को पहले ड्रॉ किया है और उससे थोड़ी दूर बी ट्रेन को ड्रॉ किया। अब ध्यान से मेरे वर्ड्स को समझना, वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन बोथ आर इक्वल लाइक 72 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों सब लोग गलती करते हैं कि आपको पहले मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा, यानी इसका यूनिफॉर्म सिंपल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में से मीटर इनटू 1000 और यानी 360। चलो सारी चीज कट कर दो, तो बच्चों आपका इनिशियल वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकंड। बोला ये कि ये दोनों सेम पोजीशन पे यानी लास्ट में After 50 सेकेंड, सुनना, after 50 सेकेंड। तो सर ऐसा कुछ भी बोले ना, कुछ भी बोला, तो प्लीज पहले दो पार्ट कर दो, फर्स्ट ए ट्रेन के लिए, सेकेंड बी ट्रेन के लिए। कभी भी गलती मत करना, दोनों एक साथ मत करो। वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन सर आपने अभी बोला 20 मीटर पर सेकेंड। अब ए ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, ए ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो। टाइम कितने टाइम के बाद, यानी 50 सेकेंड के बाद। तो चलो डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। बोलो फॉर्मूला, आपको तीनों फॉर्मूला याद है, बी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो, पहले 20, इसका कितना था 50। हाँ सर, इस पे तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो जीरो इंटू कुछ भी करोगे तो आपका आंसर जीरो आएगा, यानी इसको काउंट नहीं करना है। तो बच्चों डीए हो गया 1000 मीटर। तो ये क्लियर हो गया कि 1000 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। बोलो मेरा फर्स्ट डिस्टेंस क्लियर है। अब हम बी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी अभी आपने बोला 20, क्या बी एक्सेलरेट हो रहा है। तो डेटा देखो, बी का ड्राइवर ट्रेन को भगा रहा है, वो उससे ऐसे ओवरटेक करना है। तो सीधी सी बात है, बी के अंदर एक्सेलरेशन बढ़ेगा। बोलो मेरे साथ, बी के अंदर एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो सर बी के पास उसका एक्सेलरेशन दिया है, तो मेरे को इससे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो वो भी फाइंड कर देते फटाफट। फॉर्मूला, d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर 20। बोलो यहां पे लिख देंगे 50, हाफ इसकी वैल्यू 1, t का स्क्वायर, तो t आपने बोला 50 का स्क्वायर। चलो बच्चों ये आपने बोला 1000 होगा, ये 1/2, ये हो जाएगा 2500। फटाफट कैलकुलेट कर दो, तो 2250 यानी मेरे को बी का डिस्टेंस मिल गया। तो सर ये बी टोटल 2250 मीटर करने के बाद यहां पे पहुंचे। पूछा ये है कि सर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन को मैं डेल्टा डी डिफाइन करूं या एक्स लिख दूं, तो लास्ट माइनस फर्स्ट। बोलो मेरे साथ बच्चों, लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 2250 माइनस 1000 यानी 1250। तो बच्चों दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था वो हमें मिल गया 1250 मीटर। बोलो पक्का है बच्चों। तो आपके सामने एक्सेस का 7 नंबर यानी मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल पक्का है। चलो सर ये पक्का हो गया, नेक्स्ट जाए।
A boy standing on a lift threw a ball upwards. यानी इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड. अब ध्यान से सुनना है, फाइंड द हाउ मच टाइम टेकन बॉल, यानी ये बॉल को फेंका वो मैक्सिमम हाइट पे गया. चलो याद करो बच्चों, मैक्सिमम हाइट यानी उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हाइट बढ़ाएगा तो उसकी लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. याद करो टाइम के लिए, तो v इज इक्वल टू v जीरो प्लस 42. ये जीरो सर, एक्सेलरेशन माइनस होगा, रिटार्डेशन होगा, ग्रेविटेशन के अपोजिट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो माइनस 9.8 इंटू टी. इधर ला लो दोनों साइड पक्का. चलो तो ये डायरेक्ट, ये जीरो, ये 49 माइनस 9.8 इंटू टी. चलो बच्चों ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस, तो 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू 49, यानी टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड. तो ऐसा समझो बच्चा कि यहां से आपको 5 सेकेंड पहुंचा ऊपर के लिए, तो से एज वेल एज जब वापस आएगा तो अगेन 5 सेकेंड होगा. तो टोटल टाइम कैपिटल टी इज इक्वल टू टी प्लस टी यानी 2t यानी 10 सेकेंड. तो बॉल को वापस आने के लिए टोटल टाइम लगेगा वो 10 सेकेंड लगेगा. चलो सर ये भी क्लियर हो गया. अब नाउ केस टू. अब ऐसा बोला है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट 5 मीटर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रही है, यानी वो अपवर्ड जा रही है, तो टाइम में कोई चेंज होगा? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है. अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी तो टाइम अगेन जो था वो ही होगा, यानी डिफरेंस नहीं होगा. ओके, तो दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही ध्यान से देख लो बच्चों, जो आपको लगातार एग्जाम में 2-3 बार पूछते रहते. ओके, पक्का बच्चों देख लो.